गाइस वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के लिए लेके आई हूँ महाशिवरात्रि मेकअप लुक। गाइस आप देख सकते हैं शिवरात्रि आने वाला है तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सो गाइस स्पेशली फॉर न्यूली ब्राइड जिनका न्यू शादी हुआ है उसके लिए मैंने ये लुक स्पेशली क्रिएट किया है क्योंकि उनके लिए पहला शिवरात्रि होगा तो ये लुक स्पेशली उनके लिए है जो मैरिड वुमेन है। तो आप देख सकते गाइस मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी अल्प्स गुडनेस का कुकुम्बर टोनर एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी NYBA का सीरम। गाइस आप चाहे तो कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैं यहाँ बस NYBA का सीरम अप्लाई कर रही हूँ। इससे भी हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाता है। सो गाइस मैं बहुत नेचुरल लाइट में वीडियो बनाती हूँ इसके लिए थोड़ा फेस अलग दिखता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। मैं कोई भी लाइट का यूज़ नहीं करती हूँ। प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें गाइस। अगर आपके पास प्राइमर नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे NYBA का स्टिक। ये ऑरेंज करेक्टर है थोड़ा सा मेरा डार्क सा कलर है तो उसको हाइड करने के लिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ कलर एसेंस का एक्वाबेस फाउंडेशन। इसमें शेड है LF3। ये मैं थोड़ा सा ले लूँगी एंड अप्लाई कर लूँगी। ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। वैसे मुझे ये फाउंडेशन आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहिए था। ये कैमरे में थोड़ा अलग दिख रहा है बट रियल में तो बहुत अच्छा था बट पता नहीं क्यों कैमरे में थोड़ा अलग दिख रहा है। आई थिंक लाइटिंग के प्रॉब्लम वजह से क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा था। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYBA का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 01 चॉकलेट मिल्क। इसको मैं भी अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ NYBA का कॉम्पैक्ट। ये सब नया प्रोडक्ट है गाइस कुछ कुछ इसमें जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये कैसा है। इसको मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया एंड ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि कहीं से भी जमा ना रहे, कहीं से के या पैची ना लगे देखने में। तो मैं यहाँ ले अपने बेस को सेट करने के लिए हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप डैप कर लेंगे बट वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। अब मैं यहाँ आईब्रोज को फिल करने के लिए ले रही हूँ एलमन का आईब्रो पेंसिल। उसी में पीछे जो स्पूली होता है उसे अच्छे से फिल कर लेंगे एंड मैं ले रही हूँ HR का आई शेडो आई फेस पैलेट। इसमें से ये जो येलो शेड है मैं साड़ी से मिलता जुलता है तो उसको मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा कंसीलर के दिख रहा है बट इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। इसमें से ये जो ऑरेंज शेड है रेड ऑरेंज इसको मैं लूँगी जस्ट क्रीज लाइन के नीचे उसको अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसी शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड थोड़ा सा येलो शेड को भी अप्लाई कर लूँगी ताकि जैसे ऊपर का आई मेकअप लगे वैसे नीचे का भी लगे। तो यहाँ मैं शिमर ले रही हूँ, ये है गोल्डन शिमर शेड। इसको मैं अपने आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी आप देख सकते हैं। एंड जो मैंने रेड वाला लिया था शेड उसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी थोड़ा थोड़ा एंड अच्छे से ब्लेंड भी कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने फेस थोड़ा सा कॉन्टोर करने के लिए, ज़्यादा नहीं बहुत लाइट सा कॉन्टोर करूंगी, ब्रॉन्जर आप बोल सकते हैं। तो इससे मैं अपने पूरे फेस को कर लूंगी, नोज को भी कर लूंगी एंड उसी में से मैंने ये ब्लश शेड लिया था। मैंने ये हाइलाइटर ले रही हूँ, इसी से अपने फेस को हाईलाइट कर लूंगी, नोज, इनर कॉर्नर एंड
ब्रो बोन, चिन एरिया, हर जगह मैं अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर। ये आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, आपको पता है। यहाँ मैं थोड़ा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, बहुत टाइम हो गया था कुछ ज़्यादा ही विंग लाइनर ड्रॉ की, तो यहाँ मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके थिन से थिक करे गाइस। अब यहाँ मैं ले रही हूँ NYB का काजल, इसको मैं अपने लोअर लैश एंड अपर लैश दोनों पर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा, आप कोई भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ब्लू हेवन का लिक्विड लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है 01। ये न्यूली ब्राइड मेकअप लुक है गाइस, इसके लिए मैंने यहाँ रेड शेड लिया है। अगर आप न्यूली ब्राइड नहीं है, आप विगनर्स है, तो आप यहाँ लाइट शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। फाइनल लुक, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।